अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आप लोगों के साथ मेरी वार्डरोब में जो ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, वो सारे शेयर कर रही हूँ और रीजंस शेयर कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं पहनती। आपकी अलमारी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सूट पड़े होंगे जो कि आप जिनकी तरफ देखते भी नहीं होंगे। सो हम सब जो है वो एक जैसे होते हैं और आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले इस वाले ड्रेस की बात कर लेते हैं। ये मैंने सफायर से ख़रीदा था। ये मीडियम साइज़ की शर्ट है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये वहाँ पे, क्योंकि इसके कलर्स बहुत प्यारे थे। आई थॉट कि बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। ये मैंने हार्डली 2 या 3 मरतबा पहना होगा और वो भी मैंने ज़बरदस्ती पहना, क्योंकि आई डोंट नो, इसके साथ ना तो कोई चीज़ मैच नहीं कर रही थी, मतलब कोई ट्राउज़र्स या दुपट्टा, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ मैं पहनूं क्या, क्योंकि इसकी जितने भी कलर्स हैं ना, बड़ी इसकी कलर पैलेट जो है ना बड़ी डिफरेंट है और बड़ी मुश्किल सी है कि इसके साथ जो है ना कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी पहनती थी वो अच्छा नहीं लगता था इसके साथ। तो दिस इज़ व्हाट द ड्रेस लुक्स लाइक। कलर्स इसके बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे स्टिल बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ नथिंग वर्क्स, कोई चीज़ इसके साथ काम नहीं करती। आई हैव गिवन अप ऑन दिस ड्रेस और ये प्रॉबेबली मैं दे दूंगी अब किसी ना किसी को। डिटेलिंग इसकी बड़ी प्यारी हुई भी है, मतलब ये जो इसके बटन्स हैं, इसके जो स्लीव्स थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। स्लीव्स के ऊपर जो है ना बड़ी प्यारी डिटेलिंग हुई हुई है। बड़ी सिंपल सी शर्ट थी, लास्ट ईयर ही मैंने ख़रीदी है ये, बस आई कुडंट वेयर इट एज मच जितना मुझे ये वहाँ पे पीस पड़ा हुआ अच्छा लग रहा था, उतना मैंने इसको जो है वो पहना नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। ओके जी, दिस इज़ दिस सेकेंड ड्रेस जो कि मुझे गिफ्ट मिला था। दिस इज़ फ्रॉम करिश्मा, ठीक है, करिश्मा की ये स्टिच कलेक्शन, ऑब्वियसली स्टिच कलेक्शन में से था। और ये इसका साइज़ जो है ना, साइज़ वो समथिंग, ये लार्ज साइज़ शर्ट है, ठीक है। तो इसके साइज़ की वजह से जो है मैंने इसको सिर्फ एक मरतबा पहना है, और एक मरतबा भी तब जब ईद थी तब मैंने इसको पहना था। और खूबसूरत बहुत है, सीक्वेंस का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, बड़ी प्यारी भरी हुई सी शर्ट है। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, स्लीव्स की डिटेलिंग आगे पीछे बहुत प्यारी है, इसकी इवन बैक से भी बहुत प्यारी है शर्ट। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि इसकी जो इसका जो साइज़ है, इसका जो फिट है, वो मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि मैं इसको जो है वो अल्टर करा लूँगी, लेकिन अल्टर नहीं कराया, पड़ा रहा। और अब इसको जो है वो 3 से 4 साल आई गेस क्यों होने वाले हैं। कलर इसका इतना खूबसूरत है, कलर्स आर रियली नाइस, और आई डोंट नो, मुझे आई ना तो ये मुझे किसी को डोनेट किया जाता है, किसी को दिया भी नहीं जाता, और ये मैं खुद भी नहीं पहनती। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा पहना हुआ है, वो भी ईद के ऊपर। उसके बाद आई थॉट कि मैं इसको करा लूँगी, फिक्स करा लूँगी, ऑल्टर करा लूँगी, लेकिन अभी तक बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द ड्रेस नंबर 2 जो कि मैंने बेचारे की बारी नहीं आई और मैंने इसको बिल्कुल नहीं पहना हुआ। अच्छा जी, तीसरा सूट जो है ना वो ये वाला है। इसकी सिलवटों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस बेचारे को कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिली भी। इसको जो ये जो है ना खादी का अनस्टिच सूट था, तो मैंने इसको बड़े प्यार मोहब्बत से जो है वो इस तरह का वो फ्लेयर्ड सी एक फ्रॉक टाइप मैंने सिलवाई उसके साथ। इसका दुपट्टा जो है, ये 2-piece सूट था बेसिकली, और कलर इसका बड़ा प्यारा सा वाइन रेड कलर था। आई थॉट कि बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो मुझे इसकी जो स्टिचिंग है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी स्टिचिंग की वजह से मैंने इसको जो है वो पहनना बिल्कुल छोड़ दिया, और प्लस इसकी जो लेंथ थी ना वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कुछ लेंथ्स होती है ना जो आपको लगता है कि आपके ऊपर फ्लैटरिंग नहीं लग रही, तो ये वो वाली लेंथ थी कि मुझे लग रहा था कि यार ये तो मेरे ऊपर अच्छी ही नहीं लग रही। बाकी इसका प्रिंट बिल्कुल सिंपल है, प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा है, और बिल्कुल सिंपल है एज यू गाइस कैन सी। और कलर्स इसके बहुत प्यारे हैं, कलर्स का मसला नहीं है, इसकी स्टिचिंग का मसला है। स्टिचिंग की वजह से आई कुडंट वेयर इट, और आई डोंट नो, इसको देख के ना एक वो वाले सूट होता है ना जिनको देख के दिल भी नहीं चाह रहा होता कि यार, जैसे मैंने पहले तो दिखाया है, मेरा दिल चाहता है वो पहनने का, लेकिन उसके मसले हैं, लेकिन ये वाला जो है इसका मेरा दिल भी नहीं चाहता, तो प्रॉबेबली ये मुझे वैसे ही किसी को दे देना चाहिए। सो आई गेस कि ये मुझे अभी पहन लेना चाहिए। ओके, लेट्स सी।
अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस जो है ना वो ये है. दिस इज़ फ्रॉम एन इंस्टाग्राम पेज. इंस्टाग्राम के बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, उनमें से ये जो है वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई हुई थी मैं जलपरी ब्रांड से. तो शर्ट बहुत प्यारी है, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, डिफरेंट है. फैब्रिक का मुझे नाम नहीं आता, लेकिन ये सेल्फ में है. जैसे पता नहीं अब यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये सेल्फ में है. ये इसकी नेकलाइन है और ये जो है इसका दामन है, जिसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी डिफरेंट है, बड़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी है. और इसके स्लीव्स जो है ना वो भी बड़े वेल मेड थे. लेकिन आई डोंट नो, मतलब इट्स अ कन्फ्यूजिंग फैब्रिक. आई थिंक इसका फैब्रिक इज समथिंग जिसकी वजह से मेरा इसको पहनने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. लेकिन द प्रॉब्लम इज के इट क्लिंग्स टू योर बॉडी, आपकी जिस्म के साथ ना चिपक सा जाता है ये कपड़ा, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं. आई डोंट लाइक दोज क्लोथ्स. तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो सिर्फ एक मर्तबा पहना है, और वो भी लास्ट ईयर जब मैंने इसको ख़रीदा था, सिर्फ मैंने इसको तब पहना. उसके बाद आई कुडंट वेयर इट, और मेरा दिल भी नहीं चाहता इसको पहनने का. आई डोंट नो व्हाई, बट यू नो इट्स वेरी वेल मेड. कपड़े के साथ कोई मसला नहीं है, बस मेरे मूड के साथ मसला है. तो यस, दिस इज़ अनदर really good piece that I invested in, लेकिन I couldn't wear. अच्छा जी, इसके बाद ये वाला सूट है जो कि मैंने सेलेटिक से ख़रीदा था. ये 3-piece अनस्टिच सूट था, और इसको जो है वो मैंने स्टिच कराया था. ठीक है, इसके ऊपर डिटेलिंग वगैरह ये मैंने बिल्कुल, आप समझ लें कि जैसे अगले दिन ईद थी और उससे एक दिन पहले ये पहुँचा था मेरे पास, और रात रात में मैंने इसको स्टिच कराया था. तो स्टिचिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि यू नो इट्स नॉट वेरी वेल मेड. तो कलर्स इसके बहुत प्यारे थे, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है. मैं यहाँ पे साथ जो है वो पिक्चर भी अटैच कर दूंगी. लेकिन आई कुडंट वेयर इट उसके बाद, मतलब मैं इसको मैंने स्टिच कराया, और स्टिच कराने के बाद एक दफ़ा पहने के बाद मैं इसको भूल गई. ये भी लास्ट ईयर का है. तो इसकी नेकलाइन मैंने कुछ इस तरह से बनवाई है. इसके स्लीव्स के ऊपर जो है वो मैंने थोड़े बहुत मोती शोती, मैंने जो मेरी टेलर है उनको बोला कि आपका जो दिल चाहता है ना आप बस बना दें. सूट जो है ना वो मुझे सिलाई हुआ हुआ मिलता है, बस मैं पहन लूँ और बस मेरा हक अदा हो जाए ईद का. तो फैब्रिक प्यारा है. अगेन ये वही फैब्रिक है जो मैंने आपको पहले दिखाया है. ये इसको क्या कहते हैं, इसको जैकवाड कहते हैं. लेकिन ये वो बहुत पतली वाला जैकवाड है जो कि आपकी बॉडी को हक कर लेता है. तो मुझे अगेन इसका नाम, मुझे दुपट्टा जो है ना वो भी वेरी वेरी मच क्लिंग्स ऑन टू यू, तो वो मुझे नहीं पसंद. तो ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है, और ये सी इस तरह से. तो है बहुत प्यारा, देखने में बहुत प्यारा लगता है. ठीक है, सेलेटेक्स के सूट प्यारे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मतलब आई कुडंट वेयर इट एज मच जितना मुझे इसको पहनना चाहिए था. या प्रॉबेबली मैं वेट करती रही कि कोई इवेंट आएगा तो मैं उस पर पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ये उस तरह का है ना कि आप घर पर नहीं पहन सकते. लेकिन प्रॉबेबली मुझे घर पर पहन लेना चाहिए, क्योंकि कोई इवेंट तो आई डोंट नो आता है कि नहीं आता. सो दिस इज़ व्हाट द ड्रेस लुक्स लाइक, एंड इट्स अनदर गुड पीस जो कि मेरे मूड के हत्थे चढ़ गया. उसके बाद आई हैव दिस शर्ट राइट हियर, दिस इज़ फ्रॉम खाडी. ठीक है, और ये साइज है इसका साइज 10. ठीक है, और ये शर्ट जो है ना ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. ये शर्ट जो है ना ये मुझे ज़बरदस्ती पहननी पड़ती है. आई डोंट नो व्हाई, इसके स्लीव्स का मसला है. स्लीव्स इसके बहुत प्यारे बने हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको बेसिकली ख़रीदा था, इसके स्लीव्स की वजह से. बाकी कहीं पे कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ जो है वो प्रिंट है. कलर्स इसके मुझे अच्छे लगे थे और इसके स्लीव्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन स्लीव्स की वजह से ही मैं इसको नहीं पहनती. और ये इसका ये बटन एक पीछे लगा हुआ है जो कि बहुत क्यूट लगता है. तो बाकी आई शुड वेयर दिस मोर ऑफ्टन आई गेस. उसके बाद अगेन दिस ड्रेस, दिस इज़ फ्रॉम जलपरी, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी वो पीस दिखाया है. और ये शर्ट मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी, लेकिन मैंने एक मर्तबा भी नहीं पहनी. इसके टैग्स भी उसी तरह लगे हुए थे, मैंने एक मर्तबा भी नहीं पहनी हुई, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. एक तो इसकी मुझे लेंथ पसंद नहीं है, दूसरा मुझे इसका जो है ना ये साइज़ मैंने गलती से मंगवा लिया 12, और मुझे साइज़ जो है वो पूरा आता है 10 जो है वो मतलब लूज फिट में. तो इस वजह से जो है ना मुझे एक तो इसकी फिटिंग मुझे पसंद नहीं है. इसका फिट इसके जो यहाँ से जो ये आपका शोल्डर एरिया होता है ना, वहाँ से मुझे ये बहुत मसला करता है.
तो मैंने इसको सिर्फ एक मरतबा पहना होगा, लेकिन वो भी सिर्फ ट्राई करने के लिए, और तब से ये मेरी वार्डरोब में ऐसे ही पड़ा होगा। हालांकि इसकी जो जो एम्ब्रॉयडरी है ना इज़ वेरी नाइस। जल पर ही मैंने सिर्फ ब्रांड जो है वो ट्राई करने के लिए कुछ उसके पीसेस मंगवाए थे, बहुत रीज़नेबल उसके सूट थे, 1500 की उसकी शर्ट्स हैं, ये वाली आई गेस ये 1500 की थी, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसके साथ मुझे प्लस एक ये चीज़ भी समझ नहीं आती कि मैं इसके साथ पहनूं क्या, ट्राउज़र, क्या मैं इसके साथ ट्राउज़र पहनूं या मैं इसके साथ जीन्स पहनूं या मैं इसके साथ क्या पहनूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ पीस जो कि मुझे, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इसको स्टाइल कैसे करूँ या मैं इसको किस तरीके से पहनूँ। तो कपड़े का है मसला नहीं है, मेरा अपना, मेरे अपने दिमाग का मसला है, लेकिन होपफुली या तो मैं इसको दे दूंगी या फिर आई फिगर आउट के करना क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पीस नाउ। ये बहुत प्यारा पीस था, कलर्स इसके बहुत प्यारे थे, मुझे बेज कलर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन आई कुडंट वेयर इट मोर देन वंस। मैंने अभी तक इसको एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं पहना, आई डोंट नो वाई। मैंने बहुत मोहब्बत से और बहुत चाहत से इसको ख़रीदा था, और आई बॉट इट फ्रॉम लिबर्टी के अंदर करके जो है ना एक शॉप थी, और इसमें बहुत रेयर पीसेस पड़े हुए, रेयर मतलब कि इंडियन पीसेस, उन्होंने बोला कि ये जो है वो इंडियन सूट है। तो मैंने इस तरह की चीज़ मैंने वाकई कहीं पे भी नहीं देखी हुई थी, और आई वाज रियली एक्साइटेड कि यार ये तो बहुत प्यारा लगने वाला है, लेकिन ना आई डोंट नो, ये मैंने सिर्फ एक मरतबा पहना है या उसके बाद, क्योंकि ये फैंसी है तो आई एम वेटिंग कि अगर कोई इवेंट आता है तो फिर मैं इसको जो है वो वहाँ पे पहन लूँगी। इट्स जस्ट हैंगिंग इन माय वार्डरोब, तो चलो वो भी कोई मसला नहीं है, बट या दिस नीड्स लव एंड आई एम टायर्ड नाउ। मेरे सोशल स्किल्स जो है ना वो ख़त्म हो गए, मैं मर गए हुए। This was it. I hope you guys enjoyed. If you did, do not forget to like the video and subscribe the channel. And thank you so much for watching. Take care of yourselves and Allah Hafiz.